हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम हितेंद्र, आप देख रहे हैं ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया। आज मैं आया हूँ फोर्ड के शोरूम में। जी हाँ, शोरूम में गाड़ी आ चुकी है, फोर्ड फ्रीस्टाइल। जी हाँ, नई गाड़ी है शोरूम के बाहर, फोर्ड मोरी। तो चलेंगे अंदर, ये पाथड़ी पे शोरूम है, आप यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आपका एक्सक्लूसिव लुक देते हैं, गाड़ी का एक वॉक अराउंड लेंगे, गाड़ी का शोरूम में देखेंगे कि कैसा लुक है। तो चलिए गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी में क्या नए फीचर्स है और गाड़ी दिखने में कैसी है। जी हाँ, तो ये है फोर्ड की फ्रीस्टाइल जो हाल ही में भी लॉन्च हुई है। तो इसके एक एक्सक्लूसिव आपको मैं लुक दिखाता हूँ। मैं की बात करूँ तो ये गाड़ी की है। जी हाँ, गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री दी गई हुई है। तो चलिए लुक्स पे चलते हैं। तो अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो जी हाँ, गाड़ी के लुक्स की बात करूँ तो गाड़ी लुक्स में काफ़ी अच्छी है। फोर्ड के हिसाब से ये इंडियाज फर्स्ट CUV है, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल। जी हाँ, ये एक SUV लुक देती है गाड़ी का। अगर मैं बात करूँ जी हाँ, फोर्ड इको स्पोर्ट, ये उसके एक नीचे एक सेगमेंट आता है। जी हाँ, जिसको फोर्ड CUV बुलाता है, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल। ये आपको सेम SUV का एक्सपीरियंस देगी गाड़ी के अंदर और बाहर भी और लुक में भी। तो चलिए एक बार मैं लुक्स पे नज़र डालूं। तो यहाँ पे जो हेडलाइट दिया गया है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। यहाँ पे आपको फ़िलहाल ये इसमें आपको हाइलोजन मिल रहा है इस वक्त। और बीच में आपको नीचे मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो फॉग लैम्प। अगर मैं इसके ग्रिल की बात करूँ तो जी हाँ, ग्रिल भी काफ़ी अच्छा है। ये ऑल ब्लैक ग्रिल है, यहाँ पे क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है और गाड़ी दिखने में काफ़ी स्पोर्टी है। तो चलिए एक बार साइड लुक में लेता हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे साइड लुक मैं ले रहा हूँ। तो मैं व्हील्स की बात, यहाँ पे आपको 15 इंच के व्हील्स भी मिल जा रहे हैं, यहाँ पे एलॉय व्हील्स है। तो साइड में लुक्स की बात करता हूँ, देखो साइड में काफ़ी अच्छी दिखती है गाड़ी। और मैं अगर उसके ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लगेज के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी फिटेड पहले दिया गया हुआ है जो कि काफ़ी एक अच्छा दिखता है इसके ऊपर। तो चलिए एक बार पीछे से नज़र डालते हैं गाड़ी के पीछे कैसे दिया हुआ है। जी हाँ, टेल लैम्प्स की बात करें तो टेल लैम्प्स भी काफ़ी अच्छा इस पर दिख रहा है। जी हाँ, ये फोर्ड फ्रीस्टाइल, ये टाइटेनियम मॉडल है गाड़ी का, तो पीछे से भी काफ़ी अच्छा दिया है। और मैं इसकी बात करूँ तो आप देख सकते हैं पीछे भी यहाँ पे आपको वाइपर मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है, जो इस सेगमेंट की गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलता। तो पीछे भी काफ़ी अच्छा इसका बम्पर डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए एक नज़र इंटीरियर पर डालते हैं, देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। तो अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। अगर मैं पेट्रोल इंजन की पावर की बात करूँ तो 96 PS का पावर उस पर मिलता है और यहाँ डीजल पे आपको 100 PS का पावर दिया गया हुआ है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। तो जी हाँ, तो मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पहले दिखाता हूँ। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा डिज़ाइन में, और बीच में आपको यहाँ पे MID मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्पोर्टी दिख रहा है। वही हैंडलिंग की बात करूँ तो हैंडलिंग भी आपको काफ़ी स्पोर्टिंग लुक दिखेगी। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यार, लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं बीच में आता हूँ, मतलब इंफोटेनमेंट की तरफ आता हूँ, सेंटर कंसोल की तरफ आता हूँ मैं। तो अगर मैं सेंटर कंसोल की तरफ आऊँ तो यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव आपको लुक दिखेगा। तो जी हाँ, यहाँ पे 6.5 इंच की यहाँ पे आपको टच स्क्रीन दी गई हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव है। यहाँ पे टच स्क्रीन क्वालिटी एज ऑलवेज जैसे इको स्पोर्ट्स की है, काफ़ी इंप्रेसिव यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पे एंड्रॉयड और एप्पल का भी सपोर्ट यहाँ पे इस टच स्क्रीन में आपको मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं नीचे की तरफ आपको मैं दिखाऊँ यहाँ, तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कीज़ आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, वॉल्यूम और कम ज़्यादा ट्यून, और नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो लिखा है, यहाँ पे डिस्प्ले दिए गए हैं, जो भी AC की सेटिंग्स रहेगी यहाँ पे सब आपको दिखाएंगे। वहीं पे नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है, यहाँ पे 2 USB दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास पेट्रोल गाड़ी है, तो यहाँ पे आपको मैनुअल 5 गियर्स मिल रहे हैं। बॉक्स की बात करूँ तो ग्लो बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, अगर देखा जाए तो काफ़ी आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। और यहाँ पे गाड़ी पे एयरबैग भी दिया गया है। अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ABS विथ EBD और यहाँ पे 2 एयरबैग, और टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं मिरर्स की बात करूँ तो मिरर्स एडजस्ट आप अंदर से कर सकते हैं, और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक दो मैं बात करूँ, यहाँ पे वहाँ पे राउंड AC आपको मिल रहा है, और यहाँ पे भी AC है जो
काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। सीटिंग की बात करो तो जी हाँ, सीटिंग भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो चलिए गाड़ी के पीछे चलते हैं, गाड़ी के पीछे कितनी जगह है। तो जी हाँ, सफिशेंट जगह मुझे मिल रही है। जो सीट मैंने अपने इससे एडजस्ट किया हुआ था, फिर भी यहाँ पे आप देखो लेग रूम मिल रहा है। तो चलिए साइड में जाता हूँ, तो साइड में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको लेग रूम मिल रहा है, सीटिंग काफ़ी अच्छी है। एक बार मैं आपको आगे का लुक दिखा दूँ। जी हाँ, फोर्ड फ्री स्टाइल का कुछ ऐसा डैशबोर्ड का लुक है, आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। जी हाँ, आगे की तरफ भी और पीछे की भी तरफ भी। तो अगर मैं बात करूँ, जी हाँ, और दो लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। जी हाँ, गाड़ी का कैबिन भी काफ़ी अच्छा है। का लुक्स देख ही लिया मैंने आपको, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों बताया और कुछ गाड़ी के टेक्निकल भी बताया, सेफ्टी के और इंजन के बारे में। तो अब गाड़ी के प्राइसिंग की बात करो तो गाड़ी की प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं हुई है। जी हाँ, अंदाजन में बताओ तो 6.5 लाख के ऊपर से गाड़ी शुरुआत होगी और 10-10.5 लाख तक आएगी। टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग, मतलब सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मेरे को गाड़ी में नहीं दिखी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस गाड़ी को हम पूरा रिव्यू करेंगे। जी हाँ, गाड़ी को ऑन रोड जब लाएंगे तो जो भी मेरे से इस वक्त इससे मिसिंग हुआ होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन, वो हम उस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ जब गाड़ी का लॉन्च होगा तो भी मैं दिखाऊंगा। तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है और अगर आप गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं, गाड़ी को ऑन रोड लेके जाएंगे हम लोग, तो हम मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।